मेडिकल कैंपों में बच्चों के लिए खोला है क्या सरकार ने? इधर दो तीन केस दे चुके हैं हम, उस पर लड़ाई कर रहा है। अब गार्ड को गार्ड बोल रहा है कि तू तेरे देखता हूँ मैं, और देखा तुझे एकदम से हिचकी वाली जब उसको दौड़ते याद आए हम, और भाई हमारे लिए पुलिस फोर्स बुला रहा था, वो पुलिस वाले ने ही देखा कि जीवित है, जब बोले कि जल्दी ले जाओ, और यहाँ तो 10 मिनट वेट किया। दोस्तों खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा के मेडिकल कॉलेज स्थित हॉस्पिटल के आकस्मिक चिकित्सा विभाग के पास मौजूद हैं, और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी कुछ देर पहले थाना छैगांव माखन के ग्राम आवलिया खारवा निवासी एक 17 वर्षीय किशोर जो जिसका इंदौर रोड पर एक्सीडेंट होना बताए जाने के बाद उसको खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था, और परिजनों का इस तरह का आरोप है कि डॉक्टरों ने उसका इलाज करने की बजाय एक सरसरी तौर पर केवल उसे देखा और सीधे पोस्टमार्टम रूम पहुंचा दिया, जबकि उक्त किशोर की सांसें चल रही थी। और जब परिजन और रिश्तेदार खंडवा के पोस्टमार्टम रूम पहुंचे तो उक्त जो 17 वर्षीय किशोर है उसकी सांसें चल रही थी और उसने हिचकियां भी लिया, जिसके बाद परिजन उसको वापसी खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ICU में लेकर आए हैं, और यहाँ पर उसे इस समय अभी ICU में रखा गया है, और यहाँ पर डॉक्टर उसको देख रहे हैं, साथ ही यहाँ पर पुलिस भी पहुंची हुई है, और ICU कक्ष के बाहर पर जो उक्त किशोर है 17 वर्षीय उसके परिजन हंगामा कर रहे हैं। उनका इस तरह का आरोप है कि यहाँ पर उक्त 17 वर्षीय किशोर के उपचार में गंभीर लापरवाही बरती गई है, उसे समय पर इलाज देने की बजाय उसे सरसरी तौर पर देखते हुए उसे सीधे खंडवा के पोस्टमार्टम रूम पहुंचा दिया गया। तो क्या है पूरा मामला हम इस खबर में आपको बताएंगे। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम छोटू असवा। कहाँ के रहने वाले हो? अवलिया कोराडीट। क्या हुआ था भैया, शुरू से बताइए। हम खंडवा आ रहे थे जी, आते समय हमारे बालाजी नगर के पास जी एक पिकअप वाले ने हमको टक्कर मार दी जी। हम भैयू को लेकर यहाँ पर पहले पंपुरी में लेके गए, वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि इनकी चल रही है अभी, फिर यहाँ पर लेके आए हम। यहाँ पर उन्होंने डॉक्टरों ने जरा चेक कर लिया और उनको उन्होंने बोल दिया कि मृत्यु हो गई, मर गया। तो फिर कहाँ, फिर उसके बाद कहाँ पहुँचा दिया? मुर्दाघर। अच्छा, पोस्टमार्टम रूम पहुँचा दिया। फिर क्या हुआ वहाँ से? फिर आगे क्या हुआ? हमने वहाँ देखा उसको, वहाँ से निकाल के लेके आया। फिर जिंदा था, देखा कि भाई उसकी सांसें चल रही हैं। हम सभी थे, आदमी थे ना, वो पुलिस वाले सर ने भी देखा है, दीपक सर ने। फिर आप लोग लेके फिर वापसी इधर अस्पताल आए, ये हमारे ICU में लेके आया। हाँ, अच्छा। क्या नाम है भैया? संतोष करौले। कहाँ के रहने वाले? औलिया। क्या कहना है पूरा बताइए। सर मेरे को जैसा पता चला, इन्होंने बच्चे ने फोन किया, ये छोटू ने फोन लगाया कि काका तुम आओ, एक्सीडेंट हो गया है जी। जैसे हम घर से निकले तो एक्सीडेंट हो गया जी। हम जैसे रास्ते में आए तो फिर मैं यहाँ रोशनाई पे से, रोशनाई पे फोन हुआ जी। इन्होंने बताया कि वो तो इमरजेंसी में बता दिया और बाहर निकाले। मैंने इनको बोला एक 10 मिनट को मैं आ रहा हूँ। वो जो बच्चा जिसका एक्सीडेंट होने का बता रहा है उसका क्या नाम है? वो प्रतीक करोले। कितनी उम्र है भाई? 17 साल जी। फिर क्या हुआ आगे बताइए। मेरे दोस्तों को मैंने दोबारा से भेजा जी, यहाँ पर वो आया, उसने फिर मेरे को फोन लगाया, बोले भाई कहाँ तक आया? इमरजेंसी, बोले इमरजेंसी यहाँ ले नहीं रहे, थोड़ा इंदौर रेफर कर दे, तो गाड़ी की तुम व्यवस्था करो। हाँ। मैं आ रहा 10 मिनट में। मैं 10 मिनट से 15 मिनट में मेरे को आने में लगा। मैं जैसे आया तो फोन किया कि कहाँ पर हूँ, तो बोले वो तुम प्रत घोषित करके मुर्दाग्राम में गया। अच्छा, आप लोग वहाँ पोस्टमार्टम रूम गए आप सभी लोग? सब हम वहाँ गए। उससे रिक्वेस्ट की गार्ड से, गार्ड बोले कि मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। हाँ। तो पुलिस को फोन करते, किसी को देखा किसने मृत किसने बोला? हाँ। बोले वहाँ चले जाओ, इमरजेंसी मैंने इमरजेंसी पेशेंट यहाँ है। हाँ। और मैं वहाँ क्यों जाऊँ? हाँ। उसको बोला कि मेरे को दिखा दो, दिखाने में तैयार नहीं थी, झुमा झटके करके गेट खोला, अंदर गए, अंदर से निकाला, बच्चे को देखा, थोड़ा झटका दिया, आग उसने अभी बात को नहीं हिचकी थी, तो जैसे हम दौड़ते हुए आए जिंदा हो। उसके बाद में हम सीधे आए, गार्ड फिर रोकने कोशिश करे तो उसे छिना झपटी हुई, एक दूसरा फिर उन्होंने पुलिस को फोन किया, तो एक गार्ड उनके पीछे बैठा था, पुलिस वाले ने जैसे हमको देखा वो रोकने वाला था, पर उन्होंने देखी बच्चा हिचकी दे रहा, तो उन्होंने हमको बोला जल्दी ले जाओ जी। हम यहाँ पर आए, गार्ड ने बोला, जो पुलिस वाले ने जब जल्दी लेके जाओ, जल्दी हिचकी दे रहा था, तो बोले जल्दी ले जाओ। हाँ। हम यहाँ पर आए, पोस्टमार्टम रूम से इधर लेके हम ही लेके आए झगड़ा करके। यहाँ इमरजेंसी में देखा 10 मिनट, हमारे बच्चे छोटे छोटे ने हाथ गर्म किया, पाव गर्म किया, उसके बाद में इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं मिला जी। 10 से 15 मिनट फिर हमारे भगवान मामा ये हैं,
इनको मैंने फोन किया कि जरा मीडिया को बुला लो कि जिंदे बच्चे का क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद में हमको बाहर निकला 10 मिनट के बाद में जी। वो कौन सा डॉक्टर आया बोले कि इमरजेंसी में, फिर मैंने भीड़ देखी, मैं आपके पास आया जी। जी। तो करते था डॉक्टर, मैं पापा हूँ, मेरे को नहीं मालूम की ये मेरी भतीजी पंपुरी में काम करती, ये भी साथ में थी। आपका क्या नाम है? दीपिका सावले। क्या हुआ था दिन, क्या हुआ था पूरा बताइए। इमरजेंसी में मैं लेके गई, उन्होंने ईसीजी करी, वहाँ से रोल कट हो गया जी। आईसीयू लेके आई, यहाँ से 4 बार ईसीजी करवाई, यही वाली ईसीजी में उनको दिखाने का उन्होंने मृत घोषित कर दिया। अच्छा। और कहा भैया का मैं मना करी तो भैया मत लेके जाओ। वो इमरजेंसी जो मैडम बैठी है ना, उन्होंने, और मैं मना करी तो मेरे घर वाले भी आए नहीं है, उनको हाथ मत लगाओ और यही रहने, तुमसे नहीं हो रहा था हमको बोल रहा हम इमरजेंसी में, उसको इमरजेंसी इंदौर लेके जा रहे हैं। मतलब इन्होंने जल्दीबाजी करके पोस्टमार्टम एक मिनट। आपका क्या नाम है अभी? आपका क्या नाम? राधेश्याम सावले। कहाँ के रहने वाले? मैं तोरनी का। क्या कहना चाहेंगे बुआ जी? जी क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ? क्या हुआ बात बताइए, क्या कहना है? बच्चा यहाँ आया, हाँ? जिंदा आया, हाँ? जिंदे को मृत घोषित करके पोस्टमार्टम मैडम रूम में, हाँ? जबकि वहाँ से निकाला, जिंदा पाया गया, यहाँ आकर के इलाज ये करवाया, ये व्यवस्था खराब है जिला चिकित्सा अधिकारी की। अब आप क्या मांग करते? आप क्या मांग करते? उचित प्रकार से इनको जांच होने चाहिए, जांच अच्छी तरीके से जांच होकर के हम तो गरीब दंड दिया जाए, हम क्या जांच दिया जाए? अरे क्या होंगे जांच, हम तो ये चाहे हमारे बच्चे का एक्सीडेंट में तो जिंदो को मदद करो और मेडिकल कॉलेज खोलिए, तो लाशें बनाओ हमको, गरीबों को हम क्या कर सकते? गरीबों को क्या कर सकते? जिंदो को, इनके बच्चे को वहाँ दे दिया, इलाज मत करो, जरा झगड़ा उगड़ा टेंशन ही नहीं करते, कोशिश करो, हम क्या कर सकते? न्याय किसको मिला था हमको? ऐसा हो रहा है, जिला जिंदे बच्चे को तो मिला, कोशिश कर।